मिर्जापुर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह में अदा किया गया ईद उल फित्र की नमाज। इस बार सड़कों पर न होने के कारण ईद की नमाज को ईदगाह में ही पढ़ा गया, जिसके चलते दो शिफ्ट में पढ़ी गई ईद की नमाज। ईद की नमाज के बाद लोगों ने देश में बना रहे अमन चैन की मांगी दुआ। नमाजी नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर दी मुबारकबाद। मिर्जापुर में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। मौके पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। ईद की नमाज के दौरान आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मिर्जापुर के जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जनपद वासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। आज ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार के अवसर पे आज सुबह से ही सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई है और ज़्यादातर जगह जो है नमाज जो सकुशल संपन्न हो गई है। और हमने पीस कमेटी की बैठक करी थी, उसमें सभी धर्म गुरु उपस्थित थे और उन लोगों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया है, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और आज यहाँ पर जो नमाज अदा की गई है, सभी ने जो हमारी अपील हमने की थी कि भाई रोड पर नहीं बैठे और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो हमारी ख़राब नहीं हो, उसका सभी ने मतलब पालन किया है और कोई भी नमाजी है वो आज रोड पर नहीं बैठे हैं और सब ने हमारा सहयोग किया है। तो इस ईद के अवसर पे मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमने सभी जगह पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त किया है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।